हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। मैं बढ़िया हूँ और आपको मैं ले चलने वाली हूँ एक प्यारा सा मंदिर जो कि तारिणी टेम्पल। तो चलिए साथ चलते हैं और मैं हूँ आपकी रूपा जो आपको साथ में घुमाने वाली हूँ तारिणी टेम्पल। मंदिर पहुंचने से पहले ही कुछ दूरी से ही दुकान बाजार शुरू हो जाता है। हम फाइनली पहुंच गए हैं माँ तारिणी पीठ जो कि घटो गांव में है। माँ तारिणी मंदिर सुबह 6 बजे से शाम के 7:45 बजे तक खुली रहती है। माँ तारिणी मंदिर का बहुत सारे रहस्य है, चलिए उन रहस्य को जानते हैं। पुरी के राजा किंग पुरुषोत्तम देव वहाँ पे ही थे माँ तारिणी, जहाँ से कि केऊंझर के राजा गोविंदम नारायण भंज माँ तारिणी को केऊंझर में लेके आए थे। माँ तारिणी ने कहा मैं एक शर्त पे साथ चलूँगी, तो शर्त था कि हम साथ चलेंगे और आप हमें पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। जहाँ भी आप हमें पीछे मुड़ के देख लिए हम वहीं पे चट्टान बन जाएंगे। तो राजा ने एक बार पीछे मुड़ के देख लिया था, तो इसलिए माँ एक पेड़ के नीचे चट्टान बन के रहने लगी। लोगों का मानना है कि माँ छल करके यहाँ रहने लगी, क्योंकि उनको राजा के साथ राजमहल में नहीं रहना था और यहाँ के अंचल के लोग के साथ उन्हें रहना था, इसीलिए वो छल करके चट्टान बन के रह गए। इस अंचल के जो रहने वाले आदिवासी थे वो माँ तारिणी को बहुत मानते थे और उनको पूजते थे। धीरे धीरे भक्तों का विश्वास बढ़ने लगा। अभी दूर दूर से अलग राज्य से भी भक्तों का आना लगा रहता है। यहाँ माँ दुर्गा का मंडप सजा है, चलिए देखते हैं अंदर का डेकोरेशन। टेम्पल इज फेमस फॉर गॉडेस तारिणी। माँ तारिणी को फल नारियल बहुत ही पसंद है। सबका मानना है कि माँ सारे मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए माँ को सारे भक्त ढेर सारा नारियल चढ़ाते हैं। नारियल चढ़ाने के लिए अलग अलग जगहों से भी नारियल यहाँ पहुँचाया जाता है।
माँ तारिणी मंदिर में संक्रांति बहुत अच्छे से मनाया जाता है और यहाँ के लोग धूमधाम से संक्रांति मनाते हैं। माँ तारिणी माँ दुर्गा के ही एक रूप है, इसके पीछे भी एक अलग सा ही रहस्य है। तारिणी टेम्पल जंगल से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी बहुत देखने को मिलते हैं और ये जंगल इस मंदिर का ब्यूटी और भी बढ़ा देता है। ऐसे प्यारे से स्टॉल में माँ तारिणी के फोटो और बहुत से छोटे छोटे स्टैचू देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही प्यारे होते हैं। यहाँ बैठने के लिए आराम करने के लिए भी सुविधा किया गया है। हम यहाँ पे दुर्गा पूजा के दिन आए हैं, यहाँ बहुत भीड़ है, आप देख सकते हो इतनी लंबी लाइन लगी है। ओडिशा का कैपिटल भुवनेश्वर से माँ तारिणी टेम्पल 180 किलोमीटर दूर है एंड 50 किलोमीटर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर केउंझर। द टेम्पल इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड स्टनिंग लोकेशन। इट्स रियली ब्यूटीफुल, यू शुड विजिट दिस प्लेस। Please like, share, comment and subscribe my channel. ब्रह्मपुर के तारा तारिणी टेम्पल भी मेरे चैनल में है, देखना मत भूलना, जरूर देखना और लाइक शेयर कर देना। थैंक यू।